दोस्तों, बिग बॉस 18 के घर में नए दिन की शुरुआत बिग बॉस एंथम के साथ हो चुकी है। वेल, आपको बता दूं, इस बार भी बिग बॉस के घर में कोई बॉलीवुड सॉन्ग नहीं बजा, बल्कि बिग बॉस एंथम गाया गया, जिसको सभी कंटेस्टेंट ने काफ़ी इंजॉय किया। यहां पर जो इस बार का बिग बॉस एंथम है, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेकर बनाया गया है। वेल, काफ़ी एक्साइटिंग सॉन्ग था ये। और यहाँ पर जो रजत दलाल हैं और विवियान हैं, ये दोनों जो है इस बिग बॉस एंथम का मजाक उड़ाते नजर आए, लेकिन रजत दलाल ने घर में सभी को इम्प्रेस कर लिया है। इवन बिग बॉस को भी काफ़ी इम्प्रेस कर लिया है और रजत दलाल जो है घर के नए कैप्टन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या रजत दलाल इस कैप्टनसी की भूमिका निभा पाएंगे? क्या कैप्टनसी टास्क के बिना किसी को कैप्टन बनाना सही होगा? क्या बाकी घर वाले रजत दलाल की बात मानेंगे? जहां पर देखा गया है कि रजत दलाल और बग्गा के बीच में पहले ही अनबन हो चुकी है, और यहां पर जो एंग्री मैन का खिताब लिए घूम रहे हैं शहजादा, उनकी भी रजत दलाल से बनती जो है कम नज़र आ रही है। वैसे तो दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, और यहां पर देखना यह है कि लड़कियों में कौन जो है रजत दलाल के करीब आ पाएगी। वेल, आपका क्या है ओपिनियन? कमेंट करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।